दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला में 92 युवक युवतियों को मिला रोजगार। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि रोजगार मेला आयोजित कर बेरोजगारों को दिया जा रहा है रोजगार। 246 युवक युवतियों को किया गया शॉर्ट लिस्टेड। चित्रा कॉलेज के सामने मैदान में मंगलवार को एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2024 का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का आयोजन जिला नियोजनालय के तत्वावधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर मेला का शुभारंभ किया। रोजगार मेला में 92 युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला, वहीं 246 युवक युवतियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। रोजगार मेला में जिले के विभिन्न प्रखंड से काफी संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। मंत्री ने विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के युवक युवतियों को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विभाग बड़े पैमाने पर रोजगार मेला आयोजित कर युवाओं को रोजगार दे रही है। हमारी सरकार ने सभी निजी संस्थानों में 75% स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियम बनाए हैं, जिसका अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार ने कहा कि मेले में 13 कंपनियां 1007 रिक्तियां लेकर आई थी, ज्यादातर कंपनियां लोकल थी। उन्होंने बताया कि नियोजनालय में निबंधित युवक युवतियों को मेले की जानकारी मैसेज के माध्यम से दी गई थी। योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए बेरोजगारों ने आवेदन दिया। इस मौके पर राजद नेत्री रश्मि प्रकाश, जेडीसी उत्कर्ष गुप्ता, एसी पवन कुमार मंडल, डीआरडीए डायरेक्टर अरुण कुमार एक्का, एसटीओ सुरेंद्र उराव के अलावा 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष प्रभु दयाल यादव, नवल किशोर यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने में जिला नियोजन पदाधिकारी के अलावा गौतम कुमार, बिट्टू कुमार, सरदार सतीश सिंह, संदीप कुमार ने अहम भूमिका निभाई।